नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही मजेदार गणित पर। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, निश्चित रूप से यहां पर देख सकते हैं। इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है कि इनमें चारों ऑप्शन जो है सही लग रहा है। निश्चित रूप से गणित में तो एक ही ऑप्शन सही होगा, तो इन प्रश्न में आप देखिए, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना है और आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। और इसको मैं गलत तरीके से भी हल करूंगा और सही तरीके से भी हल करूंगा। और याद रखिए, गणित जब भी गणित बनाए, इस प्रकार के गणित को बनाए जिसमें बोड़ा मास का नियम का प्रयोग करना है, तो आपको बहुत सावधानी से बनाना है कि इसमें किस प्रकार के संक्रिया का प्रयोग करना है। निश्चित रूप से इस प्रश्न को आप पूरा ध्यान से देखिए और इसको हल करिए, उसके बाद ही कमेंट करिए। निश्चित रूप से आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हम बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को बनाया जा सकता है। देखिए, हमने ऑप्शन में 10 भी लिखा है, 81 भी लिखा है, -8 भी लिखा है, 91 भी लिखा है, तो भाई ये चारों ऑप्शन तो सही नहीं होगा। तो चलिए हम कोशिश करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको अलग अलग विधि से हल करके बता रहा हूँ कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। देखिए, अगर बच्चा जो है बोड़ा मास के नियमों को नहीं जानता है तो वो क्या करेगा, या तो इस प्रकार से हल करेगा 90, है ना, इसको क्या करेगा, भागित लिखा है तो भागित लिखेगा, इसको 9 लिखेगा, यहाँ पर गुणित लिखेगा, 10 लिखेगा, -9 लिखेगा। ध्यान दीजिए, आपको इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना होता है क्योंकि गणित में एक एक लाइन का क्या होता है, मतलब होता है, ठीक है। अब इसको वो इस प्रकार हल करता है, फिर क्या करेगा, 90 लिखा है, यहाँ पर क्या करेगा, ये भागित का चिन्ह लिखा है, इसको फिर वो क्या करेगा, हल करेगा, ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, -9 करेगा। हालांकि मैं आपको गलत तरीके से ही बता रहा हूँ, हो सकता है ऐसा गलती करे और यह गलती बच्चे ना करें, इसलिए मैं इस प्रकार के वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, इस प्रकार हम लिखेंगे, इसको हम हल कर देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ रहा है 1-9। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, -8 आ रहा है, मतलब सी वाला आ रहा है। हालांकि ये ऑप्शन क्या है, गलत है। अगर आपने सी वाले ऑप्शन को उत्तर किया होगा ना, कमेंट किया होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल क्या है, गलत है। दूसरा देखते हैं, दूसरे तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 90 लिखा है, यहाँ पर भागित लिखा है, यहाँ पर 9 लिखा है, गुणित 10 लिखा है, माइनस यहाँ पर 9 लिखा है। अब वो क्या करेगा, मान लीजिए वो इस प्रकार के संक्रियाओं का प्रयोग करता है, भाग की संक्रिया को पहले गुणा में बदल देता है, तो वो थोड़ा बहुत सही तो कर रहा है लेकिन वो पूरा गणित के नियमों का प्रयोग नहीं कर रहा है। यहाँ पर वो क्या करेगा, हल करेगा तो यहाँ पर 10 आएगा, 10 नहीं 90, तो 10 गुणित 10 हो गया, -9 हो रहा है। अब इसको 10 दहम 100 करेगा तो 100 में आपको 9 को माइनस करना है, 9 घटाना है, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। मतलब यहाँ से आपको दिख रहा है डी वाला ऑप्शन सही है, जबकि ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर भी हमने गणित के सही नियमों का प्रयोग नहीं किया है। अब देखिए इसका उत्तर सही क्या होगा, वास्तव में इसको बनाने का तरीका क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप बोड़ा मास नियम का प्रयोग करते हैं तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, और ब्रैकेट कई प्रकार के होते हैं ना, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक और सर्पाकार कोष्टक भी होता है, और एक होता है बार कोष्टक, जी हाँ दोस्तों, रेखा कोष्टक। इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, जब भी आप गणित बनाए तो रेखा कोष्टक का प्रयोग आपको ध्यान से देख लेना है, और वो रेखा कोष्टक कहाँ तक गया है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब भी एक प्रकार का कोष्टक ही है, और जब ये कोष्टक है तो हमको पता है कि कोष्टक को पहले हल करना होता है, तो निश्चित रूप से 10-9 इसमें कोष्टक लगा हुआ था। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये देखिए ये कोष्टक कहाँ तक लगा है, 10 से लेकर 9 तक लाइन खींचा हुआ है, मतलब ये बार कोष्टक है, रेखा कोष्टक है, तो इसको हम सबसे पहले हल करेंगे। इसका मतलब तो ये है 90 - 9 है, और यहाँ पर गुणा की संक्रिया है। ध्यान दीजिए, आपको भाग की संक्रिया को तो पहले हल करना है, ये तो तय है, लेकिन भाई यदि कोष्टक हो तो कोष्टक को पहले हल करना है। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर हम घटाव की संक्रिया को पहले हल कर रहे हैं, नहीं, हम क्या कर रहे हैं, कोष्टक को पहले हल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर ये कोष्टक इस प्रकार होता तब हम क्या करते, इसको पहले हल करते ना, तो यहाँ पर हम हल करेंगे तो क्या होगा, 10-1 करेंगे, 10-9 करेंगे, तो यहाँ पर हमारा उत्तर कितना आएगा, 1 ही आएगा, मतलब यहाँ पर 90 - 9 गुणित 1। हालांकि हमें यहाँ पर क्या करना है, अब भाग की संक्रिया को पहले हल करना है, हमने पहले बार कोष्टक को हल किया तो इतना आया, अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 90 है ना गुणित 1/2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको जब आप कटाएंगे तो 9 एक कम 9 हो जाएगा, 9 एक कम 9, और ये कितना हो जाएगा, 0। उत्तर कितना आ रहा है,
10 आ रहा है। अब हमारा उत्तर कितना आया, ए वाला ऑप्शन, और ये वाला ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिए, जब भी आप बार कोष्टक का प्रयोग करें तो आपको इसी प्रकार हल करना है, मतलब कोष्टक को पहले हल करने हैं, उसके बाद आपको भाग की संक्रिया को हल करना है, फिर गुणा की संक्रिया को करना। लेकिन अगर आपने ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही कमेंट किया था तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है और निश्चित रूप से आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए, ऐसा ही एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं और इस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो यहां पर आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसमें भी आपको उसी प्रकार के इस प्रश्न को बनाना है जैसे 45 भागित 5, फिर कोष्टक लिखा है इसमें 3 × 4 − 3 और यहां पर भी बार कोष्टक का प्रयोग किया गया है। लेकिन आपको ध्यान ये देना है यहां पर कहां कहां तक बार कोष्टक का प्रयोग हुआ है। यहां पर देखिए, मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं, इनमें से एक ऑप्शन तो है कि इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, सभी ऑप्शन को ला सकते हैं लेकिन गलत तरीके से। तो सही तरीके से कैसे लाएंगे, अब सही तरीके से इसका समझ तो आ गया है, इसको हम बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे। देखिए, यहां पर सबसे पहले तो आप 45 लिख लीजिए, भाग की संख्या लिखा है इसको लिख लीजिए, यहां पर क्या लिखा है 5। अब ये कोष्टक लिखा है ना, कोष्टक को हम पहले हल करते हैं। अब कोष्टक में भी बार कोष्टक को पहले हल करेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए 4 − 3 में ना बार कोष्टक लगा हुआ है। देखिए 4 − 3 में बार कोष्टक लगा हुआ है, तो 3 को तो आप लिखेंगे, इनके सामने गुना का चिन्ह है तो गुना ही लगाएंगे, 4 में 3 को आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यहां पर आप लिख लेंगे 1। अब ये हमारा काम हो चुका है, अब ये प्रश्न थोड़ा सरल हो गया है। अब देखिए, भाग लिखेंगे यहां पर 5। अब देखिए, यहां पर जो कोष्टक है ना उसको हम गुणा की संक्रिया में बदलेंगे, और जैसे ही गुणा की संक्रिया में बदलेंगे 3 × 1 = 3, यहां पर तो 3 ही आ रहा है। अब आपको ध्यान देना है, यहां पर भी बच्चे गलती कर देते हैं कि इनको पहले गुणा कर देते हैं, क्योंकि 45 यहां पर दिख रहा है, 5 × 3 = 15 करेगा और इसको क्या कर देगा, भाग दे देगा। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, क्योंकि यहां पर हमको 2 संक्रिया दिख रहा है, एक भाग की संक्रिया दिख रहा है और एक गुणा की संक्रिया दिख रहा है, और हमको पता है जब भाग और गुणा की संक्रिया एक साथ दिख रहा हो तो भाग की संक्रिया को पहले हल करना है। मतलब यहां पर क्या करेंगे, 45 भाग को हम गुणा के चिन्ह में बदल देंगे तो 1/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा गुणा 3। अब इसको आप भाग देंगे तो 5 × 5 होगा, यहां पर कितना हो जाएगा, 5 × 45। अब आपके पास कौन कौन सी संख्या बच गया है, केवल 9 × 3। अब 9 को 3 से गुना करेंगे तो 9 × 3 कितना आ जाएगा, 27 आएगा, और ये ऑप्शन आपको दिख रहा है सी में। निश्चित रूप से इसका सी वाला ऑप्शन सही है, हालांकि यहां पर भी हमने ऑप्शन लिख रखे थे, इसमें 45/57 भी लोग ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, देखिए, अगर वो गलत तरीका अपनाएगा तो ये उत्तर भी लाया जा सकता है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन हमें जब गणित के नियमों का पता नहीं होता है, मान लिया जाए, और हम गलत तरीका अपनाते हैं, तब ये गलती होता है। जैसे यहां पर उसने 5 लिखा, यहां पर देखिए हमको पता है कि यहां पर ऋण दिख रहा है, यहां पर गुना दिख रहा है, तो बच्चा क्या करता है, गुना की संख्या को पहले हल कर देगा, तो 4 × 3 कितना कर देगा, वो 12 − 3 करेगा। यहां पर उसने गणित के नियमों को बिल्कुल भी क्या कर दिया, पालन नहीं किया, क्योंकि बार कोष्टक को वो देख ही नहीं रहा है। फिर वो क्या करेगा, देखिए इसमें हम हल करेंगे तो यहां पर देखिए, या तो वो क्या करेगा, 2 तरीका अपनाएगा। अब वो ये जानता है कि माइनस की संक्रिया है, यहां पर कोष्टक है, मतलब कोष्टक को हल करेगा, तो क्या करेगा, वो इनको गुणा कर देगा, मान लीजिए। हालांकि ये बिल्कुल गलत तरीका है भाई, 45 भागित क्या करेगा, 12 × 5 = 60 करेगा, −3 करेगा। अब गलती वो क्या करेगा, इसको पहले हल कर देगा ना, तो 45 और क्या हो जाएगा, भागित यहां पर कितना हो जाएगा, 57। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी क्या है, गलत तरीका है। इस तरीके से तो आपको गणित हल करना ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इसमें उत्तर ये भी लाया जा सकता है, मतलब वो क्या कर सकता है, 1 भी ला सकता है, लेकिन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर नहीं है। तो इस प्रकार आपको प्रश्नों को बनाना है, बेसिक तरीके से गणित को बनाना है। निश्चित रूप से आज मैंने गणित को अलग तरीके से बनाया है, ताकि आप गलत करते हैं वो तरीका ही बता दिया, और गलत नहीं करना है इसके लिए आपको क्या करना है ये भी बता दिया। निश्चित रूप से आज आपने एक बेसिक तरीके से बार कोष्टक को हल करना सीखा होगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।